justice. We want justice. We want justice. We want justice. Hey, hey. मैंने एम आई फतेहपुर से 12th के एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी दो बुक्स बैक हो गई हैं और उसके साथ साथ हमारे जो बुक बैक होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न जो रहा है हमारा वो ये है कि हमारी जो एग्ज़ाम पहले अनफेयर मीन्स की तरह नहीं हुए हैं, इनफेमेंस जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें यूज़ हुई हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद हमारा रिजल्ट जो था लेट हो गया, इसके बीच में हमने सीयूटी के एग्ज़ाम दिया, सीयूटी एग्ज़ाम देने का वो भी लास्ट में उनको उसने को भी इन्होंने क्या कर दिया कि मिस कर दिया, वो अब बच्चे एडमिशन इस तरह भी ले सकते हैं कॉलेज में। तो इसके साथ साथ हमें ये हमारा जो नुकसान था जो 10-12 हज़ार रुपया जाके एक बच्चा जो अपना पे करके आया वो भी हमारा नुकसान हो गया। तो साथ साथ उसके बाद अब हमने एग्ज़ाम साथ साथ रिज़ल्ट आ रहा है जेके बोस का, वो भी रिज़ल्ट भी उसमें भी बच्चों को बहुत सारों को बच्चों को फेल किया है। हमने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से दिया, हमारे साथ एग्ज़ाम सेंटर्स में भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफियाँ हुई, अब हमारे साथ दोबारा इनजस्टिस हुआ, इसमें हम पुलिस प्रशासन से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ दिया जाए। जी सर, तो हम परसों भी आए थे जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन हमने 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू लिया, उन्होंने 2 मिनट की हमारी वीडियो चढ़ाई, 2 दिन का हमने टाइम दिया तो हमारा कुछ हल नहीं हुआ। आज हमें इन्होंने मजबूर किया रोड पे उतरने के लिए, अगर बाहर कोई हादसा हुआ उसकी जिम्मेवारी जेके बोस की है सर, उसमें हमारी कोई नहीं। हमने उस दिन इंटरव्यू दिया लेकिन हमारे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई आंसर हमें उधर से नहीं आया, इसलिए हम सभी आ रहे हैं, अभी और बंदे भी आ रहे हैं सर, बाकी आज हम रोड पर उतरेंगे, हम अपना इंसाफ लेकर तो घर जाएंगे, ऐसे हम नहीं जाने वाले। क्या क्या डिमांड सर? डिमांड हमारी यही है कि 16-16, 15-15 नंबर वाले बच्चे फेल हैं हमारे पास, हमारे 33-33, 48 वाले सर हमें फेल किया हुआ हमें सर इन्होंने। किसी प्रशासन के आदमी से बात हुई आपकी? सर हमने इधर 10-15 दिन मीडिया वाले आए सर, उनसे हमने बात की, उन्होंने सभी ने वीडियो बनाई लेकिन सर उसमें हमारा कोई आंसर ही नहीं आया सर, उधर से हमें मजबूर किया रोड में उतरने के लिए। जी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने एग्ज़ाम दिए, अच्छे एग्ज़ाम भी हुए थे हमारे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब 16 मार्क्स आए वो पास हैं, हमारे 33 मार्क्स हैं वो भी मतलब इंटरनल उसमें नहीं थे, फिर भी हमें फेल कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो बोलने से भी मतलब डरते हैं, मतलब जो कश्मीर डिवीज़न के एग्ज़ाम हुए उसमें 3-3 बार रिजल्ट हुआ उनका, हमारा क्यों नहीं हो सकता?